हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस कौन से होते हैं और इसकी डिफिनेशन क्या होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस उन रिएक्शंस को कहते हैं जिनमें दो स्मॉलर न्यूक्लियाई मेक के एक लार्जर न्यूक्लियस बनाते हैं। जब वो स्मॉल न्यूक्लियाई मिल के एक लार्जर न्यूक्लियस बनाते हैं देन देयर इज़ आल्सो अ रिलीज ऑफ एनर्जी, क्योंकि न्यूक्लियस बनाने के बाद देयर इज़ अ लॉस ऑफ मास और वही लॉस ऑफ मास एक्चुअली इज़ अ गेन इन एनर्जी, वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। लेट्स सी दिस एग्जाम्पल। जब ड्यूट्रियम विच इज़ एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद एन अदर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन ट्राइट्रियम, जब इन दोनों के न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं तो फ्यूजन रिएक्शन होता है और फ्यूजन रिएक्शन करके वो हीलियम एक हीलियम न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं और उसके साथ साथ एक न्यूट्रॉन भी रिलीज होती है एंड ऑफकोर्स एनर्जी, देर इज़ अ गेन ऑफ बिग अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो दिस वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्यूजन रिएक्शन। ये फ्यूजन रिएक्शन की मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है जिसमें हाइड्रोजन के दो आइसोटॉप्स मिल के हीलियम या एल्पा पार्टिकल बना रहे हैं। हीलियम न्यूक्लियस को हम एल्पा पार्टिकल भी कहते हैं। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल, एक ऐसी एग्जाम्पल जो हम डेली लाइफ में दिन या रात के टाइम देखते हैं। हमारे सन और स्टार से जो भी एनर्जी आ रही होती है, जो भी हीट आ रही होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। वहाँ ट्रिलियंस की तादाद में फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे होते हैं। सन और स्टार में, सन इज़ आल्सो एक्चुअली अ स्टार, सन और स्टार के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम दो स्मॉलर न्यूक्लियाई मिल के एक लार्जर न्यूक्लियाई बनाते हैं और उसके साथ साथ वो बिग अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं। अगर आपको फ्यूजन रिएक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और उसके साथ साथ आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दें सो दैट मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड कर लूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।